गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अर न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको हमारे अपकमिंग व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज का दिन करते हैं हम स्टार्ट। तो मैंने मॉर्निंग के लिए बनाया है चाय और ब्रेड बटर, तो आज इसी से ही हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मम्मी के लिए मैंने प्लेन ब्रेड को बस सेक दिया था, मम्मी को हमने बटर वाला ब्रेड नहीं दिया। तो मम्मी आज आई है किचन में। हेलो। तो आज मम्मी की तबीयत है थोड़ी ठीक, आप सब लोगों की ब्लेसिंग की वजह से। तो मम्मी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है अपने फेवरेट गोभी के पराठे। तो सीधा हम रेसिपी पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक छोटा गोभी का फूल, जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में काट के धो लिया है, और तीन मीडियम साइज़ के प्याज, उसको मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। अब मैं इसको डालती हूँ गोभी को चॉपर में। आप चाहो तो इसे कद्दूकस से भी कर सकते हैं। अब मैं गोभी को कर रही हूँ चॉप। अब इसी के साथ मैं कर रही हूँ प्याज चॉप। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल, हो चुका है गरम। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, जीरा भी रोस्ट हो चुका है। अब हम उसमें डालेंगे चॉप करे हुए गोभी और प्याज, इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर बिल्कुल सूख जाए। अब हम इसमें डालते हैं मसाले, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर दो चम्मच, किचन किंग एक चम्मच, धनिया की पत्तियाँ, इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हो चुके अच्छे से फ्राई। अब गोभी के परांठे की स्टफिंग हो गई है तैयार। गैस की फ्लेम करते हैं बंद और इसको ठंडा होने के बाद गोभी के परांठे बनाएंगे। तो स्टफिंग हो चुकी है एकदम ठंडी, रूम टेम्परेचर पे है। तो अब मम्मी स्टार्ट करने वाली है गोभी के परांठे। तो अब मम्मी बनाने जा रहे हैं परांठे। तो ये मम्मी ने पहले पेड़ा बनाया है आटे का, और इसे हल्के हाथ से बेलेंगे बस। और अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। हम इसमें डालेंगे दो चम्मच स्टफिंग भर के। हम इसको चारों साइड से फोल्ड करेंगे और इसे अच्छे से सील कर लेंगे। अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि गोभी की स्टफिंग बाहर ना आ जाए। गाइज, आप देख सकते हैं मम्मी का परांठा कितना गोल गोल है, और जो मेरा परांठा बना था वो एकदम स्क्वायर शेप में बना था। तो मम्मी तो मम्मी ही है। तो ये थोड़ा सा स्टफिंग यहाँ से निकल गई है, बट कोई नहीं, पहले परांठे में ऐसा हो जाता है। तो साथ साथ मम्मी बेल रही है दूसरा परांठा। सेम उसी तरीके से छोटी सी रोटी बनाई, उसमें दो चम्मच स्टफिंग। पहले वाले परोंठे को भी देखते जाना है, और सेम उसी तरीके से हम इसे हल्के हाथ से बेलेंगे। हम इसको इसमें कुकिंग ऑयल लगाएंगे, चारों साइड चम्मच से इक्वल फैलाएंगे और इसे फ्लिप करेंगे, और दूसरी साइड भी ऐसे ही हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसे चारों साइड से चम्मच से फैलाएंगे। अब पलटे से इसको चारों साइड से प्रेस करेंगे ताकि परांठा अच्छी तरीके से लाल हो जाए। एक परांठा हमारा बन चुका है, हम इसे प्लेट में निकालते हैं। दूसरा परांठा भी ऐसे ही बनाएंगे। दूसरा भी परांठा हमारा हो चुका है रेडी, अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। तो मम्मी के परांठे हो चुके हैं एकदम रेडी।
देखने में लग रहे हैं बहुत ही टेस्टी। तो आप इसे दही और मक्खन या फिर आप देसी घी के साथ खा सकते हैं। तो मैं तो जा रही हूँ अब सीधा खाने। तो मम्मी बना रही है अपने लिए परांठा। तो जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आलू का परांठा बनाया था तो मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि दी आपने अपनी मम्मी को आलू का परांठा फ्राई करके क्यों खिलाया, आपकी मम्मी का तो अभी हार्ट वीक है, उनके लिए अच्छा नहीं है, आप उन्हें देसी घी से फ्राई करके खिलाया करें। बट उस दिन मम्मी ने आलू का परांठा नहीं खाया था, मम्मी को मैंने दी थी उस दिन खिचड़ी। आज मम्मी 1.5 महीने बाद जाकर परांठा खा रहे हैं। एंड जैसे हम प्लेन रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही मम्मी ने रोटी बनाई है, बट उसके अंदर मम्मी ने गोभी की स्टफिंग डाल दी है। उसे 1% भी मम्मी ने फ्राई नहीं करा, सिर्फ प्लेन रोटी, गोभी की स्टफिंग वाली रोटी आप कह सकते हैं, वो मम्मी ने आज टेस्ट के लिए बस खाई है। तो डिनर में मैंने बनाया है घिया चने की दाल की सब्ज़ी, और रोटियां आज आपको बहुत गोल गोल और बड़ी बड़ी दिख रही होगी, ये बनाई है आज मम्मी ने। मम्मी को आज थोड़ा ठीक लग रहा था तो मम्मी ने आज बनाई है रात की रोटियां। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ आप सबके कमेंट्स। मैंने कल अपने ब्लॉग में बताया था कि जो पहले 10 कमेंट्स होंगे वीडियो अपलोड करते, जो सबसे पहले 10 कमेंट्स होंगे मैं उन्हीं को ही रीड करूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग्स में। एंड कमेंट्स में ये नहीं कि आप फर्स्ट कमेंट या फिर इमोजी ये सब लिखो, पहले 10 अच्छे कमेंट्स उन्हें ही मैं रीड किया करूँगी। तो जिन लोगों ने पहले कमेंट्स किए थे, तो सबसे पहले है दलजीत कौर जी का कमेंट, उन्होंने कहा था पूजा यू आर सो स्वीट, थैंक यू दलजीत कौर जी। नेक्स्ट कमेंट है रेनू चंदन डोगरा जी का, आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है हमें दी, थैंक यू रेनू जी, आपको मेरी वॉइस बहुत अच्छी लग रही है। थर्ड कमेंट है मुस्कान वालिया का, वेरी नाइस व्लॉग, कीप इट अप, थैंक यू मुस्कान। नेक्स्ट कमेंट है निशा अंतिल का, हेलो दी, मैं न्यू सब्सक्राइबर हूँ, बेस्ट ऑफ लक दी, आपके भी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। थैंक यू निशा जी, आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आई होप आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, एंड ऐसे ही आप सब लोग हमें प्यार करते जाइए तो होपफुली हम जल्दी ही 1 लाख, तो अभी बहुत दूर है, 50K भी हो जाए अभी तो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट है क्रिस्टीन बिजू का, वाओ सुपर व्लॉग्स, लव योर व्लॉग्स, थैंक यू क्रिस्टीन बिजू। नेक्स्ट कमेंट है अंशम शर्मा जी का, योर फैमिली इज सो ग्रेट, आई लव योर फैमिली, आई एम फ्रॉम जम्मू, प्लीज़ टेक माय नेम इन योर व्लॉग। थैंक यू अंशम, आपको मैं और मेरी फैमिली पसंद आए हैं, आप प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट हमें देते जाए। नेक्स्ट है संजना सिंधु जी का, सो स्वीट डॉटर, तो ये है मम्मी की फ्रेंड मेरे आंटी सुनीता आंटी, तो थैंक यू आंटी। नेक्स्ट है पल्लवी बत्रा, यू आर सच अ केयरिंग डॉटर, हाउ ब्यूटिफुली यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, एंड वन मोर थिंग, यू लुक लाइक योर कंचन मासी। थैंक यू पल्लवी बत्रा, एंड येस कंचन मासी और मेरा फेस काफ़ी रिजेंबल करता है। नेक्स्ट कॉमेंट है सिवेक त्यागी जी का, वाओ थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है खुशबू सूरी का, हेलो दी, आपका नेचर बहुत अच्छा है और आपके बात करने का स्टाइल टू गुड, प्लीज़ मेरा नाम लेना कल वीडियो में, थैंक यू खुशबू सूरी, आपको मेरा नेचर अच्छा लगा है। तो एक कमेंट है फर्जना कपाड़िया जी का, आई होप मैंने ठीक से प्रनाउंस किया है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आप लोगों के व्लॉग रोज़ देखती हूँ, मैं इंडिया की हूँ बट मैं आउट ऑफ कंट्री साउथ अफ्रीका में रह रही हूँ 12 साल से, एंड टाइम इंडिया का और यहाँ का डिफरेंट है तो देखने में ज़रा लेट हो जाता है, बट देखती रोज़ हूँ। थैंक यू, आप हमारे ब्लॉग बाहर से साउथ अफ्रीका में रहने के बाद भी पसंद कर रहे हैं। एंड उन्होंने बोला कि थैंक यू, आप रोज़ रिप्लाई भी देते हो हमें, तो हमें बहुत खुशी होती है दिल से। तो यस, मैं सबके जितनी मुझसे कोशिश होती है तो मैं मोस्टली रिप्लाई करती हूँ, तो आप भी अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किया करें हमारे ब्लॉग्स पर। तो आज के लिए बस इतनी ही कमेंट्स, तो यहीं पे मैं अपना करती हूँ आज का व्लॉग एंड, कल मिलते हैं हम अपने नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।